morning everyone, how are you? I am Ruchi Gupta, your EBS teacher, class 4th. आज हम एक अपना lesson read करेंगे, beaks and claws. Which lesson? Beak and claws. आपको याद होगा, मैम ने थोड़ा सा इसको आपको read करवा चुके हैं already, but कुछ timing होने की वजह से ऐसा लग रहा है शायद हम भूल गए, मजा नहीं आया. तो हम वापस रिपीट कर लेते हैं इसको, ठीक है? वापस रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो यस, स्टार्ट. बीक्स. सबसे पहले आप मैम को बताएंगे व्हाट इज द मीन ऑफ बीक्स. व्हाट इज द मीन ऑफ बीक्स? बी ई ए के एस. बीक्स. बीक्स मींस चोंच. बीक मींस चोंच. एंड क्लॉज, सी एल ए डब्ल्यू एस. क्लॉज. क्लॉज मींस पंजे. जो पैर के पंजे होते हैं ना, इसको बोलते हैं बेटा क्लॉज. एंड बीक मींस चोंच. तो एक चीज मैम आपको अगेन एंड अगेन बार बार रिपीट करते हैं कि आप चाहे स्टडी करें, चाहे खेलें, या कहीं जाएं, या कुछ भी काम करें, आपको पता होना चाहिए हम ये काम करने जा रहे हैं और हम क्यों करने जा रहे हैं. ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए. तो जो लेसन हम रीड कर रहे हैं, हम कौन सा लेसन रीड कर रहे हैं? लेसन 7th. तो हमें लेसन 7th का पता होना चाहिए कि लेसन 7th का नेम क्या है. व्हाट्स द नेम ऑफ लेसन 7th? और ये जो नेम है, ये नेम हमसे क्या कहना चाहता है, मतलब इस लेसन के अंदर हमें क्या बताया गया है. बच्चा अगर इतनी सी चीज भी आपको अगर पता हुई ना, तो इट मींस आपने आधा से ज्यादा चैप्टर रीड कर लिया. क्योंकि क्या होता है, चैप्टर के नेम के अंदर ही चैप्टर की पूरी चीजें छुपी हुई होती हैं. तो इससे पता लग रहा है इससे पता लग रहा है कि हमें चैप्टर के बारे में पता है. बीक्स एंड क्लॉज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो क्या रीड करेंगे? चोंच के बारे में, बीक्स के बारे में, एंड क्लॉज पंजों के बारे में. क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? यस. स्टार्ट. See here, beaks. All birds have beaks that help them to obtain their food. आपने देखा है हर पक्षी के, bird means पक्षी, bird means क्या होता है? पक्षी. सबकी चोंच होती है, होती है नहीं होती है, beak होती है नहीं होती है, आप ही बता दीजिए, मैं आपको बताने की requirement ही नहीं है. होती है ना, जैसे एनिमल्स के माउथ होता है, तो बर्ड्स के क्या होती है? बीक होती है. हमने एक स्टोरी भी सुन रखी है, याद हो तो, याद है आपको वो डक और फॉक्स वाली, कि वो उसको खाने पे इनवाइट करता है तो वो बीक से खा नहीं पाती, ऐसे याद है? तो ठीक है, हर बर्ड्स के क्या होती है? बीक होती है. और वो उस बीक से क्या करती है? अपना फूड ऑब्टेन करती है, अपना फूड बनाती है. अब ये तो नहीं आपकी मम्मा की तरह गैस के ऊपर खाना बना रही है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए. वो क्या करती है, उस फूड के लिए जगह जगह फ्लाई करती है, उड़ती है और अपना खाना ढूंढ करके लाती है और उस खाने को फिर इकट्ठा करती है एक जगह. ये भी नहीं कि वो अकेले खा लेती है उस खाने को, कि मुझे भूख लग रही है मैंने खा लिया, नो. वो उस खाने को जो कलेक्ट करते हैं, वो अपनी फैमिली के लिए कलेक्ट करते हैं और उनकी पूरी फैमिली फिर उस फूड को एक साथ ईट करते हैं. वो अपने बच्चों के लिए दाना चुप चुप के लाती हैं, अपने नेस्ट में रखती हैं, फिर उनके बच्चे उसको खाते हैं. बीक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर डिफेंस एंड टू गैदर मटेरियल फॉर द नेस्ट. और क्या काम आती है भाई? हमने ये तो रीड कर लिया कि बीक क्या यूज आती है, फूड ऑब्टेन करने की. और भी क्या काम आती है? वो अपना नेस्ट किससे बनाती है? बच्चा उनके हैंड वगैरह तो है नहीं, तो वो एक एक तिनका तिनका नेस्ट के लिए घास फूस इकट्ठे करके लाती हैं और अपना नेस्ट तैयार करती हैं. आप सोचो कितना हार्ड वर्क करते हैं वो लोग, कितना हार्ड वर्क करते हैं. हम बैठे बैठे लेटे लेटे आराम से कहते हैं, मम्मा एक गिलास पानी लाना, मम्मा ये काम कर देना. बट आप बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को देखो कि जो अवेलेबल, मतलब सब कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी अपना माइंड लगा लगा के वो सारी चीजें सेल्फ डिपेंड होके वर्क करती हैं. वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, उनके कोई सर्वेंट नहीं होते हैं कि हमारा सर्वेंट आएगा तो ये काम कर देगा, हमारा सर्वेंट आएगा वो काम कर देगा, या मेरी मम्मा ये काम कर देंगी. नो, वो सेल्फ डिपेंड होते हैं. आप देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी होती है उनके अंदर.
तो हमें भी सबको सेल्फ डिपेंड बनना है, ठीक है। किसी के ऊपर कभी हमें डिपेंड नहीं बनना चाहिए। हाँ, जो वर्क हम नहीं कर सकते, जो वर्क ऐसा है कि डिपेंडेंसी वाला है, तो आप डिपेंड रहिए, बट कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा सेल्फ डिपेंड बनने की। बिकॉज बेटा, सेल्फ डिफेंस डिपेंड जो बच्चे होते हैं और जो भी मेंबर सेल्फ डिपेंड बनते हैं, उन्हें कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लियर? तो हमें बर्ड से सीखना चाहिए। द टेबल गिवन बिलो टेल्स यू अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स एंड देयर यूजेस। अब मैम आपको एक टेबल दिखाएंगे, शो करेंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बीक्स होंगे। बीक्स क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बीक्स होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे लिप्स मोटे हैं तो दूसरे के भी मोटे होंगे, मेरे लिप्स पतले हैं तो दूसरे के भी पतले होंगे, ना। क्या होता है, किसी के लिप्स मोटे होते हैं, किसी के पतले होते हैं, किसी के पिंक शेड होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं। सो डिफरेंट कलर, डिफरेंट, है ना। इसी तरीके से बर्ड्स की जो बीक होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। क्लियर आ रहा है समझ में? यस। बी शेप टाइप एंड यूज बर्ड्स। इस टेबल के अंदर जो हम रीड करेंगे, वो रीड करेंगे बीक के बारे में, कि कौन कौन सी शेप की बीक्स होती हैं, ये हमें लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये आपको लर्न करना है कि कौन कौन से शेप्स के बीक होते हैं, टाइप एंड यूज वो किस तरह की होती हैं, और उनकी उस बीक का क्या यूज होता है, और बर्ड्स, और वो बीक किस किस बर्ड्स की होती हैं। सी हेयर, कम हेयर एंड सी हेयर, कम हेयर बेटा, यस, सी हेयर हुक्ड, सी हेयर हुक्ड, ये हुक्ड शेप में है। ये किस शेप की है? हुक्ड, HOOKED, हुक्ड। अब ये जो हुक्ड शेप की बीक होती है, ये स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक होती है। बाइट्स एंड टियर द प्रे इनटू स्मॉल पीसेस। ये जो बीक होती है, ये क्या करती है? टुकड़े तोड़ने में हेल्प करती है, और ये टियर करती है। टियर मीन्स चीरना, टियर मीन्स चीरना। व्हाट इज द मीन ऑफ टियर? TEAR, टियर मीन्स चीरना। वो चीरने के काम में आती हैं। अभी किसके होती हैं ये बीक्स? ये होती हैं बीक्स आउल, ईगल, वर्चर, हॉक्स। क्लियर? ये बीक्स किसके होती हैं? आउल्स, ईगल, वर्चर्स, हॉक्स। सेकेंड वन इज स्पेयर शेप्ड, लॉन्ग, शार्प एंड पॉइंटेड बीक। इनकी बीक कैसी होती है? लॉन्ग, शार्प एंड पॉइंटेड। हेल्प्स टू स्पेयर फिश। क्या करती है? हेल्प करती है ये फिश को स्पेयर करने में। ये किस किस की होती है? किंगफिशर एंड हिरॉन्स। क्लियर? नंबर थर्ड इज स्ट्रेनर। स्ट्रेनर की होती है स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट बीक। कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट बीक। विद स्ट्रेनर्स ऑल द अलोंग द एजेस अलाउज वाटर एंड मड टू गो आउट थ्रू इट। जो इनकी बीक होती है वो क्या हेल्प करती हैं? इनकी बीक हेल्प करती हैं जो मड के अंदर, मिट्टी के अंदर इंसेक्ट्स होते हैं ना, चू चू करके ये वो इंसेक्ट्स मिट्टी में से निकाल के खा जाते हैं, और वाटर के अंदर भी ये क्या करते हैं? उस इंसेक्ट्स को निकाल के खा लेते हैं। वो किसकी होती हैं? डक्स एंड स्वैम्स। क्लियर? नंबर फोर्थ इज चेसल शेप्ड। अब ये किसकी होती है? लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। ये लंबी और स्लेंडर बीक होती है। टैपिंग एट द टिप हेल्प ऑफ द मीट एंड कैच इंसेक्ट इन द ट्री ट्रंक्स। जो ट्री की ट्रंक्स होती हैं ना, पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं या पेड़ का जो ट्रंक होता है, उसमें से ये घुस घुस के अंदर से इंसेक्ट्स को खा लेती हैं। आपने वुड पिकर देखा है? वुड पिकर का यही वर्क होता है, ठीक है। ये भी किसके होती है? वुड पिकर की। किसके होती है ये भी? ये भी होती है वुड पिकर की। नेक्स्ट वन इज ट्विजर शेप्ड। नेक्स्ट वन इज ट्विजर शेप्ड लॉन्ग एंड थिन बीक।
helps to pull out insects from holes in the ground. क्या होता है इनके लॉन्ग एंड थिन बीक, इनकी लंबी और थिन बीक होती है जो कि इनको हेल्प करती है इंसेक्ट्स को पुल करने में फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड. ग्राउंड में जो होल होता है उनमें से ये इंसेक्ट्स को निकाल लेते हैं. वो किसकी बीक होती है ऐसी, होप्स एंड वर्बल्स. नेक्स्ट वन इज क्रैकर. नेक्स्ट वन इज क्रैकर. शॉर्ट थिक एंड कॉनिकल बीक हेल्प्स टू बीक एंड क्रश सीड. ये होती हैं स्पैरो एंड पिकॉक की. ये किसकी होती हैं बीक्स, स्पैरो एंड पिकॉक. लास्ट वन इज फ्रॉग. लास्ट वन इज फ्रॉग. लॉन्ग एंड सिलेंडर स्ट्रॉ लाइक बीक हेल्प्स टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. ये फ्लावर्स में से नेक्टर चूसती हैं, ठीक है, रस चूसती हैं. नेक्टर मीन्स रस. तो ये फ्लावर्स में से रस चूसती हैं. ये कौन सी बर्ड की होती हैं, हुमिंग बर्ड्स. ये किस बर्ड्स की होती हैं, हुमिंग बर्ड्स की. क्लियर, सबको समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया है, ठीक है. अब बचा हम इसके हार्ड वर्ड्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ वक्त तो बनता है ना. सो राइट हियर डेट 3rd November है, तो वी राइट हियर 11 and 2020. कौन सा सन चल रहा है ये, 2020. क्लियर. राइट हियर क्लास वर्क. बेटा मैम का बोर्ड छोटा है इसलिए मैम को ऐसा लिखना हो रहा है. आपकी नोटबुक इतनी छोटी नहीं है, ठीक है, तो आप उसमें अच्छे से लिखिएगा. सी एल ए डबल एस डब्ल्यू ओ आर के क्लास वर्क. क्लियर. देन यू राइट विच लेसन इज दिस. दिस इज लेसन 7. दिस वन इज लेसन 7. द नेम ऑफ लेसन 7 इज बीक्स एंड क्लॉज. द नेम ऑफ लेसन 7 इज बीक्स एंड क्लॉज. स्पेल ऑफ बीक्स बी ई ए के एस बीक्स एंड क्लॉज एंड ए एंड द एंड क्लॉज सी एल ए डब्ल्यू एस. चोंच और पंजी. चोंच और पंजी. क्लियर हो गया है, मैम इसको इरेज कर दें, ठीक है. अब हम इधर राइट करेंगे टाइप ऑफ बीक्स. यहां लिखिए टाइप ऑफ बीक्स. टाइप ऑफ बीक्स बी ई ए के एस. टाइप ऑफ बीक्स. नंबर वन इज हुक्ड. एच डबल ओ के ई डी. नंबर वन इज हुक्ड. नंबर टू इज स्पेयर शेप्ड. एस पी ई ए आर. एस पी ई ए आर स्पेयर शेप्ड. एस एच ए पी ई डी स्पेयर शेप्ड. नंबर थर्ड इज स्ट्रेनर. एस टी आर ए आई एन ई आर. एस टी आर ए आई एन ई आर स्ट्रेनर. नंबर फोर्थ इज चेशर. सी एच आई एस ई एल चेशर. नंबर फोर्थ इज चेशर. यस. नंबर फिफ्थ इज ट्रेजर. नंबर फिफ्थ इज ट्रेजर. टी डब्ल्यू डबल ई डब्ल्यू डबल ई जेड ई आर ट्रेजर. नंबर सिक्स क्रैकर. सी आर ए सी आर ए सी के ई आर क्रैकर. एंड नंबर सेवेंथ इज प्रोब. नंबर सेवेंथ इज प्रोब. व्हाट्स द नंबर सेवेंथ इज प्रोब. एवरीबॉडी सी हियर
Have a nice day. Thanks.